मैं राज रानी, रानो का घर यही है ना? रानो? इधर कोई रानो नहीं है, आप लोग जा सकता। अरे अरे रुकिए, उसके पड़ोसियों ने यही पता दिया है हमें। ये देखिए, पता बराबर है लेकिन इधर रानो नहीं है। रानो नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक से देखना, इनमें से कोई रानो। अरे वो रही मेरी रानो। अच्छा, गिरजा का नाम रानो। वो रही मेरी रानो। रानो, ओ मेरी रानो। कितने साल बाद देखा है तुझे। अरे अपनी मौसी को भूल गई क्या? मौसी जी, आप यहाँ इस मतलब अचानक किस? अरे बस ढूंढते ढूंढते पहुंच गई यहाँ। इतने सालों बाद देख रही हूँ तुझे। इतने सालों में ना मौसी की खबर ली, ना मौसी को अपनी खबर दी, दूसरा ब्याह कर लिया और मौसी को बताया तक नहीं। जी जी सुनिए तो जी, उठिए ना, उठिए ना, आपसे जरूरी बात करनी है, उठिए तो सही। क्या हुआ शौर्य की माँ, इस समय जगा रही है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी जी तबीयत ठीक है। मैंने ना अभी सपना देखा, अक्षरा को इस बार बेटी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा आपको भी बता देती हूँ। क्या है शौर्य की माँ, पहले 12:30 बजे आपको सपना आया कि लड़की हुई, फिर 3:30 बजे सपना आया कि लड़का हुआ है, फिर 4:30 बजे सपना आया कि लड़की हुई है। अब जब तक ये बच्चा सच में नहीं आ जाता, आप क्या इसी तरह रात भर जगाती रहेंगी हमें? सपने में भी बसंत बदलती रहती है आपकी। एक बार तय कर लीजिए और हमें सोने दीजिए। कमाल है, मैं यहाँ आने वाले बच्चे के सपने देख रही हूँ और आपको सोने की पड़ी हुई है। आपका बस चले ना, तो आप तो 9 महीने अपनी आंखें खुली रखें उसके इंतजार में, लेकिन हम सोना चाहते हैं क्योंकि उसके आने के बाद हम उसके साथ खेलना चाहते हैं। खेलेंगे, आने दीजिए बच्चे को, नाती हो या नातिन, हाथ नहीं लगाने दूंगी आपको। रानो, हम तुम्हारे बाबूजी के यहाँ गए थे, वहाँ ताला देखा तो पड़ोसियों से यहाँ का पता पूछकर बहुत घूमते घूमते हम आए यहाँ पर। पारस, शोभा, पैर पड़ो बेटा। नहीं नहीं बस 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 बस, अरे रहने दो। अरे रहने दो क्यों रानो, जो संस्कार है वो तो है ही, और फिर रिश्ता भी कुछ ऐसा है कि पैर छूना तो बनता ही है। नमस्ते बुआ। नमस्ते। इसे पहली बार मिल रही हो ना? बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे ये तो हमारे घर की लाडो है, खूब मनमानी करे है। अभी बार 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 घंटी भी तो यही बजा रही थी, बहुत मजा आ रहा था इसे। आप सब लोग डर तो ना गए ना नींद में? नहीं, वो वैसे मौसी जी अचानक कैसे आना हुआ? इस छोरे के कारण आना पड़ा इतनी दूर, इसको स्कूल में दाखिले की परीक्षा देनी है। वैसे मैं ना भी आती, लेकिन मैंने सोचा इसी बहाने बाऊजी को भी मिल लूंगी और तुझे भी मिल लूंगी। खैर अब तेरे बाऊजी तो मिले नहीं, तो हम कुछ दिन यहीं रुक जाए इसकी परीक्षा होने तक। क्या है ना, मौसी और उसके परिवार के लिए इतना तो कर दोगी ना रानो, क्योंकि इस शहर में मैं किसी और को जानू भी ना हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, आप जब तक चाहे रह सकती है। और आप तो देवयानी जी की मौसी हैं, तो हम सबकी भी मौसी हुई ना, इस घर को आप अपना घर समझिए। रानो ये तो मैं समझ गई कि ये तेरे पति हैं, लेकिन ये तेरी सास है क्या? बहुत जवान लगती है। मौसी ये जेठानी जी है मेरी, पर है मां समान।
माफ कीजिएगा, वैसे आजकल पता ही नहीं चलता है सास कौन है और जेठानी कौन। जी कोई बात नहीं। मॉम, इससे पहले कि और कंफ्यूजन हो सबका इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। मौसी जी, ये मेरा बेटा है नमन और ये मेरी बेटी है मुस्कान। पारस, भाई साहब के पैर पड़ो। भाई साहब, मॉम। हेलो। ये हेलो हेलो क्या होता है? पारस बेटा, पैर छू लो। नहीं नहीं आंटी, प्लीज इट्स फाइन। आंटी किसको बोल रहा है छोरा? मैं तो तेरी नानी लागू नानी। गिरिजा, गेस्ट रूम खोल दो। आप सब लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, कल सुबह फिर आराम से बातें करेंगे। हाँ हाँ, मुझे लगता है आपको घंटे दो घंटे सो लेना चाहिए। ठीक है, जैसा तू कहे। मरी, तेरा घर तो महल जैसा लगे है, परिवार के लोग भी भले हैं, दूसरे ब्याह में तो तेरे भाग खुल गए। Weird people, हाँ? ऐसा नहीं बोलते बेटा, हमारी माँ के रिश्तेदार हैं ये लोग। और हाँ, हमें उनका अच्छे से आदर सत्कार करना होगा, छोटी माँ को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए। आज जैसे ही चंदा आती है सबसे पहले उससे वो पत्तियां पिसवानी है। सोच रही हूँ अक्षरा के घर हो आऊं, मिलना जुलना भी हो जाएगा और उसे लेप भी दे दूंगी। ये लेप क्या है बड़ी माँ? इसे तलवों पे लगाने से ठंडक मिलती है। राधे कृष्णा। अरे वाह चंदा दीदी, आज सुबह सुबह ये कैसे कमाल हो गया। चलो जैसे भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अब ऐसा करो, सबसे पहले वो पत्तियाँ पीस दो, मुझे अक्षरा के घर जाना है। अगर ऐसा ही था तुम्हारे को पहले ही बोल दिया होता, मैं घर से ही कूट पीस के ले आती, जल्दी तो वो ठीक गई थी ना मैं। क्यों? वो क्या है ना मैडम जी, रात भर बिजली नहीं थी और तड़के 4 बजे पानी आ गया, इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दिया। अब बताओ मैडम जी, आज क्या काम करना है? रोज के जो रूटीन के काम है ना, पहले वो करवा लेते हैं। ठीक है चलो। इनके यहाँ बिजली पानी की दिक्कत नहीं? ये सब अपनी यही परेशानी है, है? कल रात से कैसी जान ले रखी है, अब किसी ना किसी बहाने से यही पड़े रहेंगे सुबह से शाम तक। इनसे पूछो, अगर मुझे रखने को तैयार है तो मैं रोज आने को तैयार हूँ। कैसा महल जैसा घर है, इसे सही है ना भाभी? पैसे के पैसे और ऐश का ऐश, यही है बड़े घर का फायदा। हाँ चलो भी काम करते हैं। मैं जाना कैंसिल किया, भाई के घर जाना। अरे हाँ, आज आपको जाना था ना, मैं तो भूल ही गई थी। आप जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। इट्स ओके, मैं कल चला जाएगा, आज गेस्ट आया ना। नहीं नहीं, आपने तो कब से कह के रखा था, आप जाइए हम यहाँ का काम सब देख लेंगे। हाँ चिट्टी महाराज जी, आप जाइए पर शाम को समय से आ जाना। ओके। हमारे घर पे कौन आया मम्मा? छोटी माँ की मौसी आई है और उनकी फैमिली भी आई है साथ में। कहाँ पे है सब लोग? अभी सब सो रहे हैं नक्श। अभी तक? हाँ बेटा, बड़े लंबे सफर से आए हैं ना और रात भर ठीक से सोए भी नहीं है। मेरे स्कूल जाने से पहले उठ जाएंगे ना? अगर तुम कहो तो अभी उठा दूँ मैं। नहीं नहीं छोटी माँ, उठ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर स्कूल से आके मिलेगा। अच्छा डुगू चलो, अब आप जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। ओके मम्मा। छोटी माँ चलिए, हम जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। देखो अक्षरा, तुम कुछ काम नहीं करोगी, नाश्ते का दोपहर के खाने का हम सब देख लेंगे, तुम बस आराम करो ठीक है। अरे मुझे कुछ तो करने दीजिए, आप लोग ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो तुम बर्तन पोछ लेना और बाद में खाना भी परोस देना। नाम नक्षत्र, आप हमारे नए गेस्ट हैं ना? ये मेरी फेवरेट कार है, आपको इसे खेलना तो आप खेल सकते, लेकिन प्लीज आप इसे तोड़ना मत। हेलो पिद्दी, मैं हूँ पारस, तुझसे बड़ा हूँ, इसीलिए मुझे मत बता क्या करना है और क्या नहीं, समझा? नक्ष, मैथ्स की वर्कबुक रखी और कलर्स? हाँ मुस्कान दीदी, कलर्स मैंने वहाँ पर रखे, आप बस पेंसिल शार्प कर दो, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगा।
अक्षु। आप मेरी फ्रेंड बनोगी, हम दोनों खूब खेलेंगे और बहुत मजा आएगा। थैंक गॉड, ये तो थोड़ी ठीक है, वो भैया तो बहुत ही डेंजर थे। ये आप इसे अभी छोड़ दो, आज मेरी आर्ट क्लास है ना, तो इनकी जरूरत पड़ेगी, आप कुछ और ले लो। ओके क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ मरी, क्यों रो रही है? कुछ किया क्या डुबू आपने? नहीं मम्मा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस ये कलर्स। मैंने कहा ना, जरूर इसी ने कुछ कहा होगा, वरना ऐसे ही थोड़ी ना रोएगी मेरी गुड़िया। डुगू, क्यों परेशान किया आपने उसे, क्या है ये? नक्श ने कुछ नहीं किया दीदी, ये तो बस ऐसे ही रो रही है, पता नहीं क्यों। जरूर इसी ने कोई शरारत की होगी, ऐसे ही नहीं रोएगी मेरी गुड़िया। मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों भाई बहन पागल है, ये कब जाएंगे वापस? डुगू, भगवान, बित्ते भर का छोरा और गज भर लंबी जबान, यही सिखाते हैं क्या शहर के स्कूल में? रानो, तूने तो कहा था कि तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, यही अच्छाई है क्या इनकी? मासी जी, मेरा लल्ला ऐसा नहीं है, वो बिना कारण किसी पे गुस्सा नहीं करेगा। अगर इसने कुछ कहा है ना, तो जरूर इसे भी कोई बात चुभी होगी। हाँ, राधे कृष्ण देवयानी बहन। अरे राशि बहन, राधे कृष्ण। सब सब ठीक चल रहा है वहाँ पर? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, दिक्कत किस बात की? नहीं, मेरा मतलब ये था कि मेहमान आए हुए ना, तो काम बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, अगर हम कुछ मदद कर सके तो बताइए। नहीं राशि बहन, हम सब है ना, हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। वैसे थैंक यू वेरी मच हाँ पूछने के लिए। अक्षरा, वो बड़ा वाला निकाल ले। देवयानी बहन, वो आपको तो पता ही होगा, शुरू के 3 महीने बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। मतलब आप अक्षरा से कहिए ना, जाके आराम करें, और जरूरत हो तो मैं यहाँ से चंदा को भेज देती हूँ। गिरिजा भी है यहाँ राशि बहन, और मुझे भी मालूम है कब किससे कितना काम करवाना है और कब नहीं करवाना, थोड़ा भरोसा आप मुझ पे भी रखिए। अच्छा छोटी माँ, मैं पूड़ियां तल लूँ? नहीं, तुम बैठो, मैं कर लूंगी थोड़ी देर। कुछ तो करने दीजिए ना मुझे भी, जब मुझे मदद की जरूरत होगी मैं बोल दूंगी, बैठो। बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बनाया भैया? हाय रे भाग, देखो बहू बैठी आराम कर रही है और सांसे काम कर रही है। हमारी शोभा को देखो, कभी ऐसा ना करे, पर इन शहर की बहुओं का काम इन्हें कौन समझाए, अपनी मन की करती रहती है। हमारी अक्षरा ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो आज उसकी तबीयत खराब है ना, तो हम ही ने कह दिया उसे कि जरा बैठ के आराम करो। दिखने में तो अच्छी खासी लगे है बहू, तबीयत तो खराब ना लगे है, कहीं मेहमानों को देख के तो तबीयत ना खराब हो गई। ज्यादातर बहुओं की यही चोचले हैं आजकल। देवयानी जी, नाश्ता बढ़िया बना है ना, आज आपके मायके वाले पहली बार हमारे घर आए हैं, कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। जी आप खड़ी क्यों हैं, आइए ना बिराजी। अक्षरा, वो अमृतसर वाले क्लाइंट का फोन आया था, कह रहे थे कि आपकी वाइफ के डिजाइन्स के ना पूरी टीम दीवानी है। उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स कहिएगा। ऑलरेडी कह चुका हूँ, अब तो उधार चढ़ गया आप पर। लो बताओ,
सामने बड़े बैठे हैं और शर्म लाज छोड़कर बतिया रहे हैं दोनों। बड़ी हंसी आ रही है तुझे? लक्ष, ऐसे दूसरों पे हंसना गलत बात होती है। सॉरी बोलो। मैंने क्या किया पापा? सॉरी, मैंने उनको मजाक थोड़ी ना उड़ा, कोई उन्हें कुछ बोलता ही नहीं है। मुझे तो बस हंसी आ गई जैसे आती है। हमारे पोता पोती को देखो, गऊ है दोनों। बड़ों की इज्जत करना और छोटों से प्रेम करना यही सिखाया है हमने, और जो तुझे ना आता हो तो तुझे भी सिखा दूं। लेकिन यहाँ तो देखो बच्चे कैसे जवाब देते हैं। बड़ी हूँ मैं, डांट भी सकती हूँ और जरूरत पड़े तो दो लगा भी सकती हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। मौसी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। मौसी जी, हमारा लल्ला बहुत समझदार है। हमारा लल्ला ऐसा कुछ भी नहीं करता कि कोई उसे डांटे या मारे। अरे वाह, मिसेस मेहरा नीना ने डिजाइन देख के खुशी हो जाना है। अभी फोन करती हूँ। सत श्री अकाल मिसेस मेहरा जी, आपके भाई की कॉकटेल फंक्शन वाली पार्टी के लिए मैंने इतना बढ़िया डिजाइन ढूंढा है ना, मुझे मेरी गारंटी है पूरी पार्टी में ऐसा डिजाइन किसी ने नहीं पहना होगा। हाँ हाँ, आप बस फटाफट आओ और कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लो। वो देखिए, वो मैगजीन रखी है ना, उसमें से पेपर ले लो और एक एक चीज अच्छे से लपेट के रखना। ये भी ले लो जी। मैं तब तक और पेपर लेके आती हूँ। चलो आप भी ना मिस मेरा। ठीक है, ओके जी, बाय। हरबब, मैगजीन कितने गई? किससे पूछ के उठाई आपने मैगजीन? क्या हुआ जस्मीन, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? ये मैगजीन मैंने उसे लाकर दी है, रद्दी ही तो है ना। हाय भाभी, उसमें इतना बढ़िया डिजाइन था मेरा, निकाल के रखी थी मैंने। इतना ही जरूरी था तो संभाल के रखना चाहिए था ना, उधर क्यों रख दिया? हाय भाभी, क्यों रख दिया मतलब? घर में इधर उधर हजार चीजें रखी होती हैं, तो हम कुछ भी उठा के यूज कर लेंगे। आपको पूछना चाहिए था ना। अब जस्मीन, मुझे क्या पता किसका रखा है क्यों रखा है। रद्दी था वो मैगजीन, मैंने उसे लाकर दे दी। अब मुझे सपना आएगा क्या? आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका पेपर यही मिल जाएगा अभी। ऐसे कैसे बिना मतलब नक्श को डांट दिया उन्होंने? मुस्कान, ऐसे नहीं कहते। बड़े अगर कभी कभी गलती करते भी हैं तो हम छोटों को समझना चाहिए। एक तरीका होता है बात करने का, हम इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। तरीका? उनका तरीका देखा आपने दी? अमन, इट्स ओके। हमारा और उनका तरीका अलग अलग है, और वैसे भी कौन सा हमने जिंदगी भर उनके साथ रहना है, कुछ ही दिनों की बात। जैसे तैसे करके हम लोग संभाल लेते हैं। रानो के बच्चों को भड़का रही है मेरे खिलाफ। हाँ नैतिक, आप ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी इस उम्र में अब उन्हें सही या गलत तरीका कौन सिखाएगा? नहीं सिखा पाएंगे, इसलिए हमारा काम है कि चुप रहें और बस छोटी माँ की खुशी के। थैंक यू दीप, आप सब लोग मॉम के बारे में, हम लोगों के बारे में इतना जो सोचते हैं। हाँ, अगर हमारा बस चलता ना तो कब का झगड़ा करके भगा दिया होता ऐसे रिलेटिव्स को। नमन, ऑफिस के लिए निकले, काफी देरी हो रही है। जी भैया, मैं फाइल्स लेकर आता हूँ। मैं मॉम के पास जाती हूँ, उन्हें कुछ चाहिए थे। अक्षरा, अब आप प्रॉमिस कीजिए कि आज पूरा दिन आप आराम करेंगे। That's like my goodbye. अब आपको आपका इनाम मिलता है। इधर आइए। नैतिक मौसी जी। आपने सच में मुझे डरा दिया था, पता है? भाई, अगर हमारे बात करने से उन्हें इतना इतराज है तो सोचे, अगर ऐसे वो हमें देख लेती तो घर से तो बाहर ही निकाल देती। यहाँ कोई नहीं देख रहा।
क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला? अब क्या करूँ, कल आपने इतनी मेहनत जो की और जो डिश बनाई थी उसमें इतना प्यार मिलाया था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।